मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में मॉनसून की एंट्री तो 11 दिन पहले हो गई है, लेकिन अब मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आज भी प्रदेश के 29 जिलों में तेज बारिश का दौर चला। मौसम विभाग से भी बड़ा अलर्ट सामने आया है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े अपडेट आपको दे दूं। शुक्रवार शाम को बीकानेर के सोबासर में एक फैक्ट्री की दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं टोंक के मालपुरा में सहोदरा नदी में अचानक पानी बढ़ने से 3 युवक फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। टोंक के मालपुरा तहसील क्षेत्र में शाम 5 बजे रामसागर बांध की पाल टूट गई। इस पर कार्यवाहक SDM कपिल शर्मा मौके पर पहुंचकर JCB से मिट्टी हटाकर पानी की निकासी करवाई। और जयपुर शहर में बारिश के चलते झोटवाड़ा इलाके में मुख्य सड़कों को जोड़ने वाले 80 फीट लिंक रोड का कुछ हिस्सा धस गया, जिससे इस सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। और बड़ी अपडेट तो ये भी आ रही है, टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र के पसरोटिया ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने रहने वाले राम प्रसाद का मकान चारों तरफ पानी से घिर गया। घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर पानी में डूब गया। 10 लोग घर के अंदर ही फंसे रह गए। जानकारी मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से रस्सी के सहारे उनको निकाला गया। वहीं टोंक में टिग्गी थाना क्षेत्र के धोली पंचायत के भीपुर गांव में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद वहां पर करीब 10 कच्चे मकान ढह गए। यानी कि प्रदेश के कई हिस्सों में अब बारिश जमकर कहर बरपा रही है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां बारिश की कमी बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग से जो अपडेट आया है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में 18 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के ताजे अपडेट के अनुसार 6 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है और कई भागों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद 9 और 10 जुलाई को एक बार फिर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के ताजे अपडेट के अनुसार आने वाले 2 दिनों के दौरान जो पीले कलर में रंगे हुए जिले नजर आ रहे हैं, यहां पर बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन यह जो सफेद वाले जिले आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश की थोड़ी कमी रह सकती है। हालांकि इन जिलों में भी बारिश होगी, लेकिन सभी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन राहत की बात यह है, अगले 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। जिन जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है, यह कमी भी आने वाले 2-4 दिनों के दौरान पूरी हो जाएगी। बड़ी अपडेट यह है, 18 जुलाई तक मॉनसून सक्रिय रहेगा और प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश होती रहेगी।